वेलकम बैक टू गाइज माई न्यू व्लॉग एंड टूडे इज दिवाली एंड ये व्लॉग लेट अपलोड होगा तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि दिवाली है तो दिवाली की शुभकामनाएं आपको आपके परिवार को अगर आप वीडियो लेट भी देख रहे हो तो आज की वीडियो में क्या रहेगा, आज की वीडियो रहेगी कि गांव के कल्चर है मेरा जो मैं कैसे दिवाली सेलिब्रेट करता हूँ, हमारे गाँव में किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं इसके ऊपर सारी वीडियो रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है और वीडियो को अपना प्यार देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो बेसिकली ये हिमाचली कल्चर है, हिमाचली कल्चर ये मंडी में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जब आप हिमाचल में आओगे। ये मंडी में, मंडी साइड बहुत ही फेमस कल्चर है कि हम किस तरह से दिवाली बनाते हैं तो आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा। ये शायद वॉइस ओवर की रह सकती है तो आप क्या करें, आप चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के साथ जुड़े रहें। इट्स अ दिवाली और सुबह उठ के मैंने काम करने शुरू कर दिए क्योंकि मुझे ऑर्डर तो पिछली रात के मिले हुए थे पर मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ तो इसलिए मैंने ये सोचा था कि सुबह जल्दी उठ के तो मैं काम शुरू कर दूंगा। और सुबह उठते उठते भी 8 बज गए थे और मम्मी से इंस्ट्रक्शन मिल गई थी रात को ये कि जो आंगन में हमने कोर्टयार्ड में हमने जो ये डिज़ाइन बनाया तो इसको हाईलाइट कर दियो। पहले तो मैं ही बना रहा था पर मैंने इतनी गंदी डिज़ाइन बनाया है तो मम्मी ने हाथ जोड़ दिए मेरे से आगे कि बेटा तो हाईलाइट ही कर दियो बाकी मैं डिज़ाइन बना देती हूँ। हाँ मम्मी मेरे को आके बता रही है कि जो माता के लिए रास्ता बनाया है वो कैसे बनाना है। मैं अपने हिसाब से बनाने लग गया था और मम्मी ने ये पूरा रास्ता बना दिया और अब तू अपना काम करना शुरू कर दे नहीं तो मम्मी को पता है अगर मैं शुरू हो गया तो फिर मैं काम बिगाड़ूंगा ही बिगाड़ूंगा। और ये देख रहे हैं आप एंड रिजल्ट जो मेरे काम करने के बाद निकला है, मतलब हाईलाइट करने के बाद निकला है। और ये बहुत ही कैजुअल है पूरे इंडिया में कि दिवाली के दिन सब अपने घर के बाहर फूल लगाते हैं, कोई रेडीमेड लगाता है, कोई नेचुरल बगीचे से फूल निकाल के लाते हैं। तो हमारे पास नेचुरल है अवेलेबल तो मैंने हार बना के उसके अपने गेट पे लगाना शुरू कर दिया। और ये हमारे पड़ोस की लड़की है जो पेंटिंग बनाना बहुत पसंद करती है तो जैसे हमारे ये कल्चर है कि मैंने पहले सुबह आपने हाईलाइट किया तो ये फ्रेश पेंटिंग्स अपने कोर्टयार्ड में बना रही है। हमारे क्या करते हैं, जो हमारा कोर्टयार्ड होता है उसमें हम के गोबर की लिपाई कर देते हैं एक दिन पहले और उसे सूखने देने के बाद फिर अगले दिन उस पर हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसे पसंद था तो ये सुबह उठती इस काम में लगी थी पर मैंने भी इसकी हेल्प की लाल कलर करने में, मैं लाल कलर करने में माहिर हूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये फाइनल रिजल्ट है जो हमने दोबारा से पेंटिंग बनाई थी हम दोनों ने, इसने और मैंने मिल के बनाई थी क्योंकि मैं लाल कलर करने में माहिर हूँ बाकी इसके अलावा कुछ नहीं मैं कर सकता। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कल्चर का थोड़ा सा मेन पॉइंट है जिसमें हम अपने घर के कोर्टयार्ड में, कोर्टयार्ड या जो हमारे घर का मेन दरवाजा होता है वहां से हम एक पाथ बनाते हैं जिसे हम मैया के, जो लक्ष्मी मैया जहाँ पर हमारे मंदिर में बनती है वहाँ तक ले जाते हैं। ये हमारे ऐसा मानते हैं कि जब मैया रानी आपके घर में आती है उनको एक रास्ता हम दिखाते हैं कि वो सीधा आके अपने स्थान पे विराजमान हो जाए, कहीं इधर उधर ना भटके। तो उसके लिए हम घर के बाहर जो भी हमारा मेन रास्ता होता है वहाँ पर हम इस तरह की कलाकृतियाँ और एक पाथ बनाना शुरू कर देते हैं
और कई इस पे दिए बनाते हैं, कई इस पे थोड़ी सी पेंटिंग बना देते हैं, कई इसमें हाथी भी बना देते हैं जिसकी पेंटिंग अच्छी होती है। जब मैंने माला लगाई तो उसके बाद मुझे घर पे लाइट लगाने का काम था, और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी वीडियो कब शूट होगी माला लगाई घर पे लाइट लगाते लगाते। तो मैं यहाँ पर लाइट लगाते लगाते ये सोच रहा हूँ कि मुझे जगह ही नहीं मिली कि मैं लाइट लगाऊँ कहाँ। इतने में मेरी मम्मी भी इसकी ये बताने आगे, हेल्प करने आगे कि इस तरह से थोड़ी डिज़ाइन बना, और जो चरण है माता की उनको ऊपर मंदिर तक ले जाए, ये हमने बनाए हैं मैंने और मम्मी ने बनके। ज़्यादातर मम्मी ने ही काम किया है, तो मम्मी ने दिए बनाए, पादुका बनाई, और ऐसे हम धीरे धीरे जो पूरा पाथ है वो माता के मंदिर तक ले जा रहे हैं। और ये माता यहाँ पर विराजमान है। तो अगर आपने देखा होगा कि माता की कई मूर्तियां लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, हमने नारियल, सूखे नारियल के ऊपर माता की ऐसी तस्वीर बनाई है। इस समय शाम के 7 बज चुके हैं और टाइम है माता की पूजा करने का। माता की पूजा करने से पहले हमें कुछ कल्चरल जो हमारे रिचुअल्स हैं वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, जो खासकर लेडीज़ फॉलो करती है, जो हमारी जैसे मेरी मम्मी होगी, ताई होगी, जो मेरे भाभी होगी वो फॉलो करते हैं, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और उसके बाद हम अंत में जाके माता की पूजा करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे घर की लेडीज़ होती है, जैसे मेरी मम्मी ये पूजा कर रही हैं, ताई हो गए, मेरी चाची हो गए, वो घर में दिए जलाती है, और जो हमारे घर के मुख्य दरवाजे होते हैं और जो हमारा कोर्टयार्ड होता है, जो मेरा मेन मातला होता है घर का, वहाँ पर हम ये दिए रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जो दिवाली हो दीपों का त्यौहार है और अंधेरे को दूर करता है, इसलिए घर का कोई भी कोना है वो अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। इसलिए मम्मी सबसे पहले इन दियों को जला के पूजा करके फिर बाहर हमारे मांदले पे जाएगी, जो हमारे आंगन में बीच का होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है हमारे आंगन का, ये हमारा मांदला है। और यहाँ पर दोबारा इसकी पूजा की जा रही है कि जो माता लक्ष्मी हमें सद्बुद्धि दे, रक्षा करे, और ये हमारे घर का मेन दरवाजा है, यहीं से सब अंदर प्रवेश करते हैं। माता की पूजा करने का